सारण जिला के त्रेया प्रखंड के भलुआ में और जहाँ पे नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हुआ है और 3 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा हो रहा है। आइए जानते हैं बाबा से इस विषय में कि क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं इस विषय। देखो जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है और 3 दिवसीय जो पूजा अर्चना हुआ है इसके विषय में क्या पता हो सकता है, क्या कहना चाहते हैं? हम अपने सनातन धर्म के उत्थान के निमित्त एवं इस जगत के कल्याण हेतु 3 दिवसीय हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किए हैं। इसका आज पूर्णावति हुआ, भंडारा भोज चल रहा है। सभी भक्तगण श्रद्धावलक होकर के एकीभूत होकर के भगवान के श्री चरणों में पूजन में भाग लेकर बड़े प्रेम से भगवान के भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जगत के कल्याण के निमित्त, जीव मात्र प्राणियों के कल्याण के निमित्त, समाज के कुरीति कुनीतियों के समन के निमित्त इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। जी, वो आपका नाम शुभ नाम क्या बोले? मेरा नाम पंडित विनोद ओझा हुआ, मेरा निवास ग्राम जयसर है। आइए जानते हैं इस विषय में, एक और मेरे पास में बाबा हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या इस विषय में जानकारी देना चाहते हैं। हम भलुआ ग्राम के सभी जनता के लिए शुभकामना करेंगे, उनके कल्याण के लिए पूजा करेंगे। हम इस मंदिर के पुजारी हैं, हमारा नाम हरिशंकर बाबा है, हमारा घर है मढ़ौरा से पश्चिम। और इसी गांव के हमारे साथ है वृंदर बाबा, और आइए जानते हैं इनसे इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। मानवीय जीवन का जो आचल है उसका फलस्कार संभव लगता है, अगर वो परिष्कृत किया तो लगता है कि उसके निर्माण का जो भी सत्य है वह सार्थक हो जाएगा। अगर जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और जानते हैं, एक और बाबा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इस विषय में ये क्या कहना चाहते हैं। जो मंदिर का निर्माण हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 दिवसीय पूजा हो रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह 3 दिवसीय पूजा आचार्य श्री विनोद कुमार ओझा के पावन सन्निधि में आज संपन्न हुआ है। इसमें इस गांव के समस्त लोगों की और हमारे जो प्रधान यजमान थे राधे श्याम जी, उनके सपरिवार के साथ पूरे इस गांव के खुशहाल के प्रति हम सभी भगवान से प्रार्थना किए हैं, और साथ ही साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक के साथ इस यज्ञ का आज संपन्न हुआ है। और इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद आज भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे गांव के और इस पूरे इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं भंडारा में आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सामने जैसा कि आप देख सकते हैं भंडारा का आयोजन किया गया है। वो जैसा कि जग तो हमेशा परिवार कल्याण और गांव के कल्याण के लिए और खुशी के लिए ही होता है, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे भारत आज त्रासदी में और कोरोना संकट को लेकर जूझ रहा है, तो हम लोग ऐसा आज कामना किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि यह देश के साथ तो हमेशा परिवार कल्याण और गांव के कल्याण के लिए और खुशी के लिए ही होता है, आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे भारत आज त्रासदी में और कोरोना संकट को लेकर जूझ रहा है, तो हम लोग ऐसा आज कामना किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि यह देश के साथ साथ पूरा यह गांव जो है आरोग्य रहे और कोरोना मुक्त रहे। जी बिल्कुल, और आइए जानते हैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाँव के, इस मंदिर से मिल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूरा खुशहाल है, श्रद्धा स्नेह के साथ मंदिर में अपना योगदान दिए हैं और भंडारा भी ग्रहण अपने घर लोग मत करें ना, फिर दूसरा कभी आइए जानते हैं जो मंदिर के निर्माता हैं, जो संस्थापक है, आइए उनसे बात करते हैं कि कितनी खुशी उनकी लालसा मिली कि जो मंदिर का निर्माण कराए। आइए उसे जानते हैं रामेश्वरम जी, ये मंदिर का निर्माण कराने का आपके मन में कैसे लगता है? जी, वो एक पिताजी हमारे इच्छा व्यक्त किए थे, आदेश किए थे, माता पिता के आदेश से
हम इस मंदिर का निर्माण कर पाए हैं और मुझे प्रसन्नता है ये जो उनसे कमिटमेंट किए थे उसको हम पूरा कर पाए और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आज वर्तमान स्थिति है ये लोग अपने संस्कार अपने धर्म से जो मिलते जा रहे हैं छुटते जा रहे हैं तो कम से कम यहाँ का वातावरण कुछ इस तरह का हो जिससे बच्चों में धार्मिकता है संस्कारिकता डेवलप हो संस्कार बने जी बिल्कुल ये तो सही है लेकिन इसके आगे मंदिर का निर्माण तो हो गया है नींव पड़ गया मंदिर बन गया अगर ये मंदिर के संस्था जो न्यूज टीवी के चैनल से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है आने वाले समय में बहुत बढ़िया।